नाउ क्वेश्चन 36 बेटा, अब क्वेश्चन 36 में क्या गिवन है आपको देखो कि वैल्यू ऑफ के, आपने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में तीन टाइप के सॉल्यूशंस बनते हुए देखे थे। पहले यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन कब होता था? जब ए वन अपॉन ए टू नॉट इक्वल होता था बी वन अपॉन बी टू के, तो क्या बनता था आपका? यूनिक सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कब होता था? जब ए वन अपॉन ए टू इक्वल होता था बी वन अपॉन बी टू के, बट सी वन अपॉन सी टू के इक्वल नहीं होता था, तो नो सॉल्यूशन बोलते थे। और लाइंस कैसी बनती थी? पैरेलल लाइंस। इसमें क्या होती थी? इंटरसेक्टिंग लाइंस। और तीनों इक्वल हो जाएं तो क्या होता था? कोइंसिडेंट लाइंस। और सॉल्यूशंस कितने होते थे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अब उसी के बेसिस पर ये क्वेश्चन आपको दिए हुए 36 to 41 तक। दैट इज, अब पहला 36 क्या है कि आपको इक्वेशन दिया है एक्स प्लस वाई माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो, और दूसरी 2x + ky - इक्वल्स टू 3। ठीक है, अब इसमें बोला हैज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन है, उसके लिए आपको k की वैल्यू बतानी है। तो पहले अपने इसको इस तरफ हम शिफ्ट कर लेंगे, तो इधर आएगा तो -3 हो जाएगा और इक्वल्स टू 0। तो ए वन क्या हो गया हमारा? 1। ए टू क्या हो गया? 2। बी वन क्या हो गया? 1। और बी टू क्या हो गया? के। अब देखो हमें नो सॉल्यूशन बोला है, तो हम के इस वैल्यू से निकालेंगे। ए वन अपॉन ए टू इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू, तो ए वन अपॉन ए टू क्या हो गया? इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू यूज करना है हमें। ठीक है, विच इज फर्दर नॉट इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू है, उसको हम यूज नहीं कर रहे हैं। क्लियर? सो 1/2 = 1/k, सो k = 2। फर्दर हम इससे अगर सॉल्व भी करेंगे तो यहां पर ये दिखा देंगे सी वन सी टू क्या है? -4 और सी टू -3, तो यहां पे नॉट इक्वल टू 4/3 आ जाएगा, माइनस माइनस कट गए। क्लियर, आ गया समझ में? अब अगर हम इससे सॉल्व कर रहे हैं तो ये भी ध्यान देना के क्या नहीं होना चाहिए, के नॉट इक्वल्स टू 3/4 आ जाएगा। देखो इसमें देखो 1/k = 4, नॉट इक्वल्स टू 4/3 है, तो रेसिप्रोकल करेंगे तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3/4, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू है बीच में, मतलब k की वैल्यू 2 होनी चाहिए और 3/4 नहीं होनी चाहिए। क्लियर? तो कौन सा ऑप्शन मिल गया आपको? डी ऑप्शन, ऑप्शन डी 36 का। क्लियर? नाउ इसी तरह 37th क्वेश्चन में अब हमें अगेन k की वैल्यू निकालनी है, और इक्वेशन क्या है? 2x + 3y = 7, और k+1 × x + 2k - 1 × y = 4k + 1। देखो सी वन सी टू चूज करते टाइम हमें क्या ध्यान देना, या तो दोनों इक्वल्स टू के उस तरफ हो या दोनों इक्वल्स टू से इस तरफ हो, तब हमें सी वन सी टू चूज करने हैं। तो ए वन क्या हो गया? 2। ए टू हमारा k+1 पूरा हो गया। अब यहां पर हमें क्या बोला? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है? कि तीनों बराबर होती है रेशियो आपकी। क्लियर? तो हमने क्या किया? ए वन क्या है? 2। ए टू k+1, पहले कंडीशन भी लिखनी है आपको हमेशा। क्लियर? इक्वल्स टू बी वन 3, बी टू 2k - 1, इक्वल्स टू 7/4k+1। अब देखो इसमें पहले हम एक बार इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे इसको। क्लियर? और एक बार इन दोनों को सॉल्व करेंगे, उससे हम निकालेंगे दो आंसर। क्लियर? या तो वो दोनों आंसर सेम होने चाहिए, तो जो दोनों में सेम है वो आंसर आपका बन जाएगा। क्लियर? सो क्या बनेगा? 2k - भाई इधर भेजा तो 4k - 2। क्लियर? और इसमें इधर भेजा तो 3k + 3। अब 3k इधर भेज दिया, 4k - 3k, और 3 + 2 हो गया उधर जाके, तो दैट इज 5। तो इन दोनों को सॉल्व करने पे k = 5 आ गया। क्लियर है यहां तक? नाउ अब एक बार इन दोनों को सॉल्व किया हमने, सो 3 × 4k + 1 और 7 × 2k - 1, तो यहां क्या बन जाएगा? 12k + 3, 14k - 7। अब उसके बाद 12k उधर भेज देते हैं, 7 इधर भेज देते हैं, ताकि माइनस में ना बने आंसर। 3 + 7 हो गया इधर, और 14k - 12k हो गया, सो 2k = 10, सो k = 5।
तो दोनों जगह आंसर देखो सेम आ गया है, और सेम आना चाहिए तभी वो आपका आंसर बनेगा। क्योंकि देखो अगर हम पहले दो की बात करते हैं, पहले दो अगर इक्वल होंगे तो वो नो सॉल्यूशन भी तो बन सकता था। अगर वो तीसरे वाले के साथ भी सेम सॉल्यूशन निकाल रहे तब वो इस कंडीशन में आया। क्लियर? अब सपोज हमारा पहले दो में k की वैल्यू 5 आ गई और बाकी दो में k की वैल्यू कुछ और आ जाती, 7 आ जाती, तो फिर यहां पे हम क्या लिखते, नो पॉसिबल वैल्यू ऑफ k फॉर विच द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। क्लियर? अगर k की वैल्यू डिफरेंट आ रही है तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन इस इक्वेशंस में बन ही नहीं सकते फिर। ठीक है, क्लियर? नाउ 41st क्वेश्चन, ग्राफ मिलेंगे बेटा यहीं पे। हाँ, 41st क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें, 2x-3y=7 और a+b (x-a+b-3y=4ab)। क्लियर? और हमें क्या बोला है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस हैं और a और b की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए अगेन कंडीशन ये हो गई, तीनों इक्वल होने चाहिए। तो ए वन क्या है हमारा यहाँ पे 2, ए टू क्या है ए प्लस बी, बी वन क्या है -3, माइनस हमेशा कोफिशियंट के साथ जाता है, बी टू क्या है -(a+b-3)। देखो ब्रैकेट है तो ब्रैकेट एज इट इज डालना है हमें। क्लियर? क्योंकि माइनस उसके बाहर था बेटा, इसलिए ब्रैकेट का रोल है क्योंकि माइनस से उसके साइन चेंज होंगे, नहीं तो माइनस माइनस आपका इवन ऊपर वाले से भी कट हो सकता है। ऐसे देखो बाहर है तब, अगर इंडिविजुअल माइनस होता अलग अलग का तब वो नहीं कट सकता था। क्लियर? एज अ होल माइनस है तो वो कट गया। इक्वल्स टू सी वन 7/4a+b। क्लियर? नाउ अब यहां पे हमारे पास दो वेरिएबल्स है फाइंड करने के लिए, तो इक्वेशन भी दो बननी चाहिए। तो पहली इक्वेशन हम इससे बनाएंगे, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2a+2b-6=3a+3b। क्लियर? अब 2a+2b दोनों उधर भेज दिए, इधर माइनस सिक्स रखा, तो क्या हो जाएगा 3a-2a, a बचेगा, 3b-2b भी b बचेगा। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। क्लियर? इसमें नाउ अब एक इक्वेशन हम कैसे बना सकते हैं, फर्स्ट और लास्ट वाले को सॉल्व करके। देखो कोई भी तीनों में से हम इक्वल टू यूज कर सकते हैं, तो फर्स्ट और लास्ट वाला यूज कर रहे हैं हम इस वे में, तो क्या बन जाएगा 8a+2b=7a+7b। अब a इधर शिफ्ट कर दिया हमने और b वाला इधर शिफ्ट कर दिया, तो क्या हो जाएगा 8a-7a(7b-2b), सो a=5b आ गया यहां से आपका। क्लियर हुआ? अब इसकी वैल्यू हम कहां सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, फर्स्ट वाली में a की जगह क्या पुट कर दिया 5b, सो 5b+b हो गया ये, सो 6b=-6 है, सो b=-1। ठीक है ना, 6 वहां जाके डिवाइड हो गया, स्टेप सारे दिखाते हैं आपको, तो b हमारा क्या आ गया -1 और a क्या आ जाएगा 5b, यानी कि 5 × -1 यानी -5। देयरफॉर a क्या आ गया -5 और b क्या आ गया -1। क्लियर? ये हो गए आपके फाइनल आंसर। क्लियर हुआ? तो अगर आपको नंबर ऑफ सॉल्यूशंस वगैरह के बेसिस पे वेरिएबल्स पूछे हुए हैं तो आप इस बेसिस पे फाइंड करोगे। क्लियर है वाला पार्ट सारा?